दोस्तों नमस्कार। एक और नया आईपीओ मार्केट में आ चुका है। 1 सितंबर को आईपीओ आ रहा है। कंपनी का नाम है एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड। कंपनी से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन, जैसे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कंपनी के फाइनेंशियल्स, कंपनी का बिजनेस मॉडल और इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में हर डिटेल जानेंगे। तो सभी जानकारी के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले, ताकि ऐसी यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलती रहे। किसी भी आईपीओ में पैसे लगाने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ही इंडिया की टॉप 4 की कंपनियों के डीमैट अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां से जाकर अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी एमी ऑर्गेनिक लिमिटेड 2004 में बनाई गई थी। मेन जो इनका काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का है, और जो ये प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो है स्पेशियलिटी केमिकल्स, जिसके लिए इनका जो बेसिक काम है, जो बेसिक मैन्युफैक्चरिंग है, वो है एपीआई की, मीन्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स इंग्रेडिएंट्स। अब ये आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये एपीआई है क्या। तो एपीआई को मैं सरल भाषा में आपको बता दूं, एपीआई एक प्रकार का रॉ मटेरियल होता है किसी भी मेडिसिन को फाइनल स्टेज तक पहुंचाने के लिए, या किसी भी मेडिसिन का फाइनल गुड्स तैयार करने के लिए जिस भी रॉ मटेरियल की जरूरत होती है उसे कहते हैं एपीआई। कंपनी के पास एट प्रेजेंट में 450 से ज्यादा इंटरमीडिएट्स अवेलेबल हैं, और अभी एट प्रेजेंट में इनके 150 से ज्यादा कस्टमर हैं, जो कि इंडिया और उससे बाहर 25 कंट्रीज तक कंपनी अपनी सर्विस देती है। रीजन वाइज स्पेशियलिटी केमिकल की ग्रोथ की बात करें, अगर 2019 से लेके 2024 तक कैसा एक्सपेक्टेशन रहेगा, तो यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका को आप देख सकते हैं 2.5%, यूरोप में 2.5%, जापान में 1.5%, इंडिया में 11.2% और चाइना में 7%। तो इंडिया में इसका जो ग्रोथ है वो काफी ज्यादा होने की संभावना है आने वाले समय में। मुद्दे की बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ में आखिरकार आपको पैसे लगाना क्यों चाहिए। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू। अगर फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात करें तो कंपनी ने जो सेल्स की रिपोर्ट की थी वो लगभग 3,406 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2020 के अगर मुकाबले आप देखें तो 42% ज्यादा था। 2020 में जो इनकी सेल्स थी वो लगभग 2,396 करोड़ की थी। सेकेंड पॉइंट, कंपनी का जो टोटल एसेट है वो 2021 में 78% तक ज्यादा हो गया 2020 के मुकाबले। मतलब 2021 में कंपनी का जो टोटल एसेट वैल्यू थी वो 4,132 करोड़ के अराउंड थी। तो ये भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो एमी ऑर्गेनिक जो है कंटिन्यू 2 फाइनेंशियल ईयर से कंटिन्यू प्रॉफिट दे रही है कंपनी, और एट प्रेजेंट में जो कंपनी का एक्सपोर्ट है वो 51.57% है, जो कि 2020 में 45.89% था। तो CAGR की भी बात करें तो वहां 21.84% के हिसाब से कंपनी ग्रोथ में है। आईपीओ के एक ओवरऑल ओवरव्यू की बात कर ले तो टोटल जो इशू साइज है वो लगभग 570 करोड़ का है, जिसमें 200 करोड़ का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 370 करोड़ के अराउंड है। इशू डेट जो है 1 सितंबर को ओपन हो रहा है, 3 सितंबर तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। प्राइस बैंड यहां पर 603 रुपए से 610 रुपए का रखा गया है। बिड लॉट 24 शेयर का एक लॉट होगा। रिटेल के लिए यहां पर 35% पोर्शन रखा गया है, और फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी की फेस वैल्यू अभी 10 रुपीज है। इशू के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इशू से जो पैसा आएगा, जो फ्रेश इशू के जरिए जो 200 करोड़ रुपए आएंगे, उस पैसे का यूज कंपनी के वर्किंग कैपिटल के लिए यूज किया जाएगा। साथ ही साथ रीपेमेंट या किसी भी प्रकार का प्री पेमेंट करना चाहती है कंपनी तो उसके लिए यूज किया जाएगा। सेम सेक्टर की कुछ कंपनियों का पीयर ग्रुप कंपैरिजन हमारे सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पर एमी ऑर्गेनिक का अभी पी रेशो अवेलेबल नहीं है, लेकिन रिटर्न ऑन नेटवर्थ अगर आप देखते हैं, जो कि एमी ऑर्गेनिक का 32.35% है, वो इस सेक्टर की किसी भी कंपनी का दिखाई नहीं देता। तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ के मामले में कंपनी सभी कंपनियों को पीछे छोड़ती है।
ईपीएस की बात करें अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पर एमी ऑर्गेनिक का 17.14 का है। बाकी डिटेल्स आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं फर्दर, अगर किसी और कंपनी का आपको यहाँ पर डिटेल देखना है। कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर बात करें तो कंपनी मार्च 2019 में जो कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था वो लगभग 23 करोड़ के अराउंड था, जो मार्च 2020 में बढ़ के 27 करोड़ रुपए के ऊपर निकल गया। और मार्च 2021 तक कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो अराउंड 54 करोड़ पहुंच गया। तो फाइनेंशियल वाइज तो कंपनी यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांग नजर आती है और कंटिन्यू ग्रोथ में दिखाई देती है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो जीएमपी यहां पर कंपनी का कुछ सुस्त दिखाई देता है। फिलहाल अभी जो जीएमपी है कंपनी का 80 से 100 रुपए के अराउंड चल रहा है। हो सकता है आने वाले समय में इस जीएमपी में उठापटक देखने को मिल जाए, क्योंकि पिछले कुछ आईपीओस आपने देखे होंगे, जैसे एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, कार ट्रेड का ही आईपीओ जब आया था, जब उसकी डेट आई थी तो उसका जीएमपी 29% ऊपर बता रहा था, बट लिस्टिंग टाइम पे कार ट्रेड 1% नीचे लिस्ट हुआ। तो अगर आप पैसा लगाना चाह रहे हैं यहाँ पर तो लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ही सोचकर लगाएं। कंपनी काफी अच्छी है, कंपनी में कोई यहाँ कमी नहीं है, कंपनी बहुत शानदार है, पैसे लगाने वाली कंपनी है, बट मार्केट का सिनेरियो देख के आप पैसे लगाएं। शॉर्ट टर्म के हिसाब से सोचकर आप कुछ भी कदम ना उठाएं। इंडस्ट्री के पी रेशो की बात कर ले तो यहाँ पूरे इंडस्ट्री का जो हाईएस्ट पी रेशो है वो है 67.45 का, वहीं लोएस्ट पी रेशो की बात करें तो 33.16 और इंडस्ट्री के एवरेज पी रेशो की बात करें तो 44.82। कुछ ही दिनों में एमी ऑर्गेनिक का भी पी रेशो डिस्क्लोज हो जाएगा, उसके बाद आप इंडस्ट्री के पी रेशो से उसे कंपेयर कर सकते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट एनालिसिस हमारे द्वारा किया गया है कंपनी में, जिसमें हम स्ट्रेंथ अपॉर्चुनिटी और वीकनेस और थ्रेट के बारे में हम बताते हैं। तो यहाँ कंपनी का जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में अगर बात करें तो डाइवर्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, कंपनी के पास जो एपीआई है 450 से ज्यादा इनके पास फॉर्मूले हैं, वो काफी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है इनके पास। ग्लोबल प्रेजेंस है कंपनी की, 51% से ज्यादा रिवेन्यू इनका एक्सपोर्ट के थ्रू ही आता है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, पिछले कुछ सालों में कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। अपॉर्चुनिटी की बात कर लें अगर, तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था जो 2019 से 2024 में ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की हम लोग जो बात कर रहे थे, वहां पर सबसे ज्यादा ग्रोथ इंडिया में ही दिखाई दे रहा था। तो इंडिया में आने वाले समय में केमिकल मार्केट में काफी ज्यादा ग्रोथ दिखाई देती है। वीकनेस की बात करते हैं तो वीकनेस यहाँ पर एक ही दिखाई देता है, कंपनी जो है मैक्सिमम जो डिपेंड है कंपनी का वो है एक्सपोर्ट पे, इन हाउस इनका काम कम है, जो कि एक छोटा सा वीकनेस दिखाई देता है। थ्रेट यहाँ पर बात करें तो सेम सेक्टर में काफी बड़े बड़े नाम है, काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो एग्जिस्टिंग जो कॉम्पिटिशन है वो यहाँ पर एक थ्रेट दिखाई देता है। ओवरऑल आईपीओ कैसा रहेगा, तो आईपीओ काफी अच्छा है, पैसे लगाए जा सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने के पहले आप अपनी पर्सनल रिसर्च जरूर कर लें। फाइनली आईपीओ के टाइमलाइन की बात कर लेते हैं, तो आईपीओ ओपन होने वाला है 1 सितंबर को, आईपीओ क्लोज होगा 3 सितंबर को, अलॉटमेंट डेट है 8 सितंबर की, रिफंड्स है 9 सितंबर को, शेयर आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएंगे 13 सितंबर को, और आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 14 सितंबर। आईपीओ और कंपनी से रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल वीडियो में इतना ही, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।